हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो आज हम आप सभी को लेके चलते हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे मीरा का टेम्पल, जो कि बहुत पुराना टेम्पल है, और वहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं, निधिवन की गलियाँ हैं, आज हम वो आपको भ्रमण कराते हैं, दिखाएंगे दिखाएंगे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं राधा रमन रमन टेम्पल। पेल। तो टेम्पल के अंदर का तो अभी हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैमरा नॉट अलाउ। तो बट जो कुंज गलियों में जाने का जो आनंद आता है, जो हम घूम घूम के पैदल पैदल जाते हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम आ गए हैं रास्ते में, ये पड़ा था एक मंदिर, उस मंदिर में चल रही थी रामचर्चा। तो वो देख के बड़ा आनंद आता है, क्योंकि कुंज गलियों में या कहीं भी आप वृंदावन में जब चलते हो तो आपको ये रामचर्चा प्लस कृष्ण चर्चा दोनों चल रही थी, तो बड़ा आनंद आता है। तो हमें लगा कि क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था इस तरह की लीला स्टेज पे देखे हुए, तो जब मंदिर में दिखाई दिया, हम गली में जा रहे थे, कुंज गली में वृंदावन यमुना नदी से जब सामने से एंटर किया, तो ये यहाँ पे बहुत सुंदर स्वरूप है, यहाँ पे हरिदास जी का भी है यहाँ पे और कृष्ण भगवान का भी है। तो जब हमने एंटर किया तो हमें आवाज़ सुनाई दी और हमें लगा कि हमें ये सुनना चाहिए, क्योंकि कुंज ने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं है, तो हमें लगा दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर तरीके से किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ये लोग चित्रण कर रहे हैं, ये अपनी कला का बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, मतलब। और मतलब यहाँ के हर मंदिर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, क्योंकि सावन का महीना है और सैटरडे संडे श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत होती है, लेकिन बहुत आनंद आता है, क्योंकि जैसे ही हम इस मंदिर में घुसे तो एक अलग ही आनंद अनुभूति हमें होने लगी, क्योंकि प्रभु के सुनिवास में, जहाँ प्रभु निवास करते हैं, वृंदावन में तो उनका निवास ही है, तो बड़ा आनंद आता है। मैंने लोगों की भी वीडियो बनाई जैसे लोग नीचे बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि आजकल ये देखने को नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, सिर्फ वृंदावन के अलावा कहीं और नहीं मिलता। तो इसलिए बाहर तो मुझे मेरे बहुत मुश्किल मिलता है, अगर आप कोई कथा रखाते हैं या फिर कुछ रखवाते हैं चर्चा, जैसे भागवत वगैरह, तभी आपको भागवत सुनने का मिलता है, बट ये भागवत नहीं है, ये एक्चुअली एक स्टेज शो जैसे होता है, हम रामलीला दिखाते हैं, कृष्ण लीला दिखाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे चल रहा था। तो मैंने मंदिर का पूरा जो वर्णन था, वो मंदिर का पूरा जितना भी चित्रण था, वो मैंने कैमरे में कैप्चर करना सोच समझा कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि यादें बहुत अच्छी होती हैं और इनको कर लेना चाहिए। तो वृंदावन में तो वैसे भी हर चीज़ बड़ी अनोखी है। कोई नहीं, चलो अब इस मंदिर से हम निकलते हैं और आपको दिखाते हैं निधिवन की गलियाँ, जहाँ मार्केट है, हालांकि आज संडे है, थोड़ा मार्केट बंद है। तो ये है कपड़े की शॉप, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो अब धीरे धीरे हम चलेंगे यहाँ से, ये सीधा रास्ता जाता है आपका निधिवन की तरफ। तो निधिवन की तरफ जब हम जाते हैं तो मार्केट पड़ती है, तो वहाँ पे आप कपड़ा ले सकते हैं। तो जैसे कि वृंदावन की मेन मार्केट लड्डू गोपाल की होती है, कपड़े की, कपड़ों की होती है, कपड़ों में स्पेसिफिक है, लेडीज़ के लिए घाघरा चोली मिलती है, जेंट्स के लिए कुर्ता धोती मिलता है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब कि एक पारंपरिक यहाँ पर जो पोशाक जो पहनने का जो वो है, बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे लोग लेडीज़ बहुत ख़रीदते हैं। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं, अब रास्ते में आएगा हमारा टेम्पल, जो मीराबाई का टेम्पल है, जहाँ मीराबाई ने कई सालों तक बैठ के प्रभु के नाम के गीत गाए थे और प्रभु को याद करके वो प्रभु में लीन हो गई थी। तो ये बहुत आध्यात्मिक और बहुत सच्ची कहानी है, कलयुग की कहानी है, और भगवान कृष्ण को पाने की कहानी है, जिस कृष्ण को पाने के लिए उसने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। तो व्यक्तिगत रूप से ये आ गया आपका मीरा जी का टेम्पल। तो ये है, बहुत पुराना टेम्पल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत पुराना टेम्पल है ये। लेकिन ऐसे पुराने टेम्पल को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इस टेम्पल के अंदर गया, इसकी हर एक चीज़ इतनी पुरानी, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह इतने पुराने लगे हुए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मीराबाई के चित्रण के सारे फ़ोटो यहाँ पे, तो खैर जो कैलेंडर है तो अभी के लगे हुए हैं, बट इनके जो अंदर बरांडे में, जो प्रांगण के अंदर जो बरांडा है, उसमें जो फ़ोटो लगे हुए हैं, बहुत पुराने टाइम के फ़ोटो हैं। तो मतलब ये वही जगह है जिस स्थली पे बैठ के मीराबाई भजन गाया करती थी और श्री कृष्ण प्रभु को रिझाया करती थी, और एंड में जाके
वो प्रभु में लीन हो गई थी। तो हम फैमिली के साथ कल यहाँ पे गए थे और मेरे को अधिकतर ना पुराने मंदिर देखने में बहुत आनंद आता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जो आध्यात्मिक मंदिर होते हैं, जो न्यू मॉडर्न मंदिर होते हैं उनको मैं कम प्रेफर करता हूँ, उनको मैं देखना पसंद नहीं करता। जाता हूँ लेकिन मेरे को इतना स्पिरिचुअलिटी महसूस नहीं होती वहाँ पे जितना पुराने मंदिर में होती है। तो इस मंदिर में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मैंने सारे पुराने फ़ोटो कैप्चर करे, कई सालों के से फ़ोटो यहाँ पर टंगे हुए हैं। मीराबाई के फ़ोटो भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो मतलब इतने पुराने फ़ोटो हैं कि आपको इसमें क्लियर पिक्चर पूरा समझ में भी नहीं आएगा इसमें। और ये वही स्थली है, अभी मैं रूम भी दिखाता हूँ आपको, मतलब कि जो पर्टिकुलर जहाँ बैठ के मीराबाई अपना भजन गायन करती थी। तो ये पूरा हमने, यानी कि अगर आप वृंदावन के इस मंदिर में नहीं आए हो ना, तो मीराबाई के बारे में भी आप नहीं जान पाओगे। तो अगर आप वृंदावन आए हो और निधिवन आ रहे हो तो रास्ते में ही पड़ता है मीराबाई का मंदिर, क्योंकि यहाँ पे मीराबाई कई सालों तक यहाँ पे रही थी वृंदावन में। और ये मैंने पूरा ऊपर का कैप्चर किया है क्योंकि इन रूम्स में रहते हैं यहाँ के महंत पुजारी, तो जो मंदिर की सेवादार हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। यहाँ पे ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, वो मैंने पढ़ा हुआ है, हालांकि मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, आपको वर्डिंग थोड़े थोड़े समझ में आ रहे होंगे। लेकिन वो ये बोर्ड ये दिखाता है कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी मंदिर की, पर्टिकुलर इसमें यही मेंशन है और किसने कराई थी। तो ऐसी पावन स्थली पर आकर हमें अपने आप में एक अनुभूति होती है कि जहाँ प्रभु के लिए मीराबाई ने भजन गाए थे, प्रभु की याद में वो तड़पी थी, रोई थी, तो वो सारी चीज़ें इस स्थली पे हुई थी। तो आके बड़ा आनंद महसूस होता है। और वृंदावन में जो आध्यात्मिक तौर पे आते हैं, जो पिकनिक स्पॉट से नहीं आ रहे, जो आध्यात्मिक तौर से आते हैं, उनको तो अगर ये चीज़ें दिख जाए ना तो वो रोने लग जाते हैं। क्योंकि अगर भक्ति का असली भाव देखा जाए तो रुदन में होता है, रुदन इन द सेंस कि रोना। तो गाइस, ये हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है मंदिर को, और सामने स्वरूप आप देख रहे हैं राधा कृष्ण हैं, और सामने राधा जी हैं, कृष्ण रूप भगवान हैं, शालिग्राम जी भी विराजमान हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है, आनंद बहुत आता है। मेरे को तो बहुत आनंद आया इस मंदिर में आने के बाद, मैं तो सब कुछ भूल गया। फिर हमने इसकी परिक्रमा लगाई है, इस मंदिर की हम परिक्रमा अब लगा रहे हैं। तो ये मंदिर की चारों तरफ की परिक्रमा, जब भी आप आएँ तो उस मंदिर की परिक्रमा ज़रूर लगा लें आप, अंदर ही अंदर परिक्रमा लगानी छोटी सी है, और बहुत आनंद आता है। तो आज हमने आपको मीराबाई का टेंपल भी दिखा दिया। तो अब हम निकलेंगे टेंपल से बाहर और मार्केट की तरफ चलेंगे। तो ये है बीच में मार्केट, यहाँ पे मेरे को लड्डू गोपाल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और शालिग्राम जी भी, तो मैंने उनकी पिक्चर भी ली है इसमें। ये कितने प्यारे प्यारे शालिग्राम जी, मेकअप कितना सुंदर किया हुआ। ये सब निधिवन के रास्ते मिलते हैं, यदि आपको मंगाना हो तो आप हमारे द्वारा भी मंगा सकते हैं। और ये पूरी शॉप, यहाँ पे लड्डू जी का जो मेकअप है, निधिवन के साइड लड्डू गोपाल जी के मेकअप बहुत सुंदर होते हैं। तो गाइस, ये पुरानी शॉप्स हैं काफ़ी और निधिवन के रास्ते में ही हैं। हालांकि आज संडे है तो आज शॉप्स कम ओपन है। तो आपको मैं आगे चलूँगा। तो यहाँ पे हम मोड़ पे आ गए, यहाँ पे एक मेकअप भैया मेकअप कर रहे थे, कान्हा जी का, ठाकुर जी का, तो हमने उनसे भी बात की थी। और इतना सुंदर मेकअप, देखो आप कितना प्यारा मेकअप कर रहे हैं। तो ये हमने भैया जी को मेकअप कर रहे थे, तो हमने भैया जी से बात करा कि कितने में आप करते हो, तो भैया ने बोला कि 500 में करता हूँ, होल बॉडी कराओगे तो 1200 में लगेगा, तो आईज और उसका कराओगे बालों का तो 500। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, लेफ्ट में मंदिर पड़ेगा। ये मंदिर कहलाया जाता है लखनऊ के सेठ का मंदिर, जो कि जिसे बोलते हैं टेढ़े खंभे का मंदिर। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये हम थोड़ा आगे चलेंगे, ये आ गया आपका टेंपल लेफ्ट में, इस तरफ मैं कैमरा भी घुमाऊंगा। ये रहा आपका लखनऊ के सेठ का मंदिर, इसको टेढ़े खंभे का मंदिर कहते हैं। अब सामने आपका आ गया निधिवन। हालांकि आज हम निधिवन में नहीं गए थे, ये पूरा निधिवन का मार्केट रश है। हालांकि आज रश बहुत ही कम है क्योंकि अभी लोग कम आ रहे हैं, हालांकि संडे में काफ़ी होता है। संडे में थोड़ा सा लॉकडाउन का भी है यहाँ पे, हालांकि लॉकडाउन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना कुछ मार्केट बंद है, जैसे सामने की शॉप बंद है। जब ये पूरी मार्केट खुलती है तो पूरा यहाँ पे एकदम चकाचक रहता है, रोशनी भरा और बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे इस वाली शॉप पे हमने लड्डू जी के जो स्वरूप रखे थे सबको हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया, सबकी मैंने फ़ोटो ली। और कितने सुंदर सुंदर स्वरूप यहाँ पे बैठे हुए आप देख सकते हैं, बहुत आनंद आता है कुंज गलियों में घूमने का, पैदल घूमो और नंगे पैर घूमो। तो गाइस, यहाँ से अब हम चल दिए हैं राधा रमन मंदिर की तरफ। तो अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं, अब यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, ये राधा रमन मंदिर का रास्ता है। तो राधा रमन मंदिर जाते हुए निधिवन की दीवारें आती हैं, निधिवन का जो पूरा गेट नंबर है, अलग अलग गेट हैं उनके, तो वो क्योंकि पर्टिकुलर एक ही गेट खुलता है निधिवन का,
आप जैसे सामने आप देख रहे हो, ये भी निधिवन का गेट है, ये दूसरा गेट है, ये भी खुला रहता है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, लेकिन आप मेन एंट्रेंस से जाओ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये रहा निधिवन का पुराना फाटक, हालांकि इसको पुराना फाटक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पहले एंट्री यहीं से होती थी निधिवन की, लेकिन अब दूसरे से होती है। अब चल दिए हम ये राधा रमन की तरफ। तो ये आप राइट साइड में जो वॉल देख रहे हैं सारी निधिवन की वॉल हैं। हालांकि गाइस ये बोला जाता है और मैंने देखा भी है, जब हम शाम को आ जा रहे थे वापस तो मैंने देखा था कि जब शाम 7-7:30 होने लगा तो निधिवन में जो बंदर रहते हैं वो बाहर निकल के जा रहे थे अपने आप, मतलब वो दिन में तो अंदर रहते हैं लेकिन बाहर निकल के जा रहे थे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है निधिवन में रात को कोई भी नहीं रुकता, ना बंदर ना पक्षी ना मनुष्य। तो ये रहा आपका टेम्पल का रास्ता, ये सब निधिवन की दीवार है राइट हैंड में, और ये सीधा राधा रमन का रास्ता है, सीधा आपको अभी राधा रमन दिख जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, आपको राधा रमन जी के दर्शन कराते हैं, अगर हो गए तो ठीक है, अगर अंदर कैमरा अलाउ करा तो हम ज़रूर लेंगे पिक्चर, ठीक है, अगर क्योंकि देखना पड़ता है कि अगर पब्लिक ले रही तो हम भी ले लेंगे, फिर अगर राधा रमन जी के दर्शन मिल गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको घर बैठे दर्शन मिल जाएगा, क्योंकि राधा रमन जी की जो मूर्ति है वो ये मान के चलिएगा वही मूर्ति ऐसी है जो यहाँ पे ओरिजिनल है, ऐसा बोला जाता है वृंदावन में। ये सामने आ गया आपका राधा रमन टेम्पल का द्वार, तो हम इस टेम्पल से अब एंटर करेंगे अंदर के साइड। तो यहाँ पे अभी बहुत रिक्शे वाले आए हुए हैं क्योंकि पब्लिक आती जाती रहती है, बहुत भीड़ भी रहती है, बट आज फिर भी थोड़ा सा भीड़ कम है, वरना संडे में तो भीड़ का मतलब ही नहीं है कि कम हो जाए। ये रहा राधा रमन, श्री राधा रमन मंदिर का मेन एंट्रेंस, आप इससे हम एंटर करेंगे। तो राधा रमन मंदिर के द्वार से जब एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद छोटा सा मोहल्ला टाइप नज़र आता है, जैसे कि छोटी सी कॉलोनी पुराने टाइम के मोहल्ले, क्योंकि जितने भी गोस्वामी जी हैं, क्योंकि जितने भी इनके पुराने वंशज हैं वो सब यहीं रहते हैं, उनके घर आसपास ही हैं, ये आमने सामने घर बने हुए हैं, तो जैसे पुंडरीक गोस्वामी जी का यहीं है, आशीष गोस्वामी जी का यहीं है, तो ये सब के इन सब के गोस्वामी जी के घर बने हुए हैं। और ये रहा राधा रमन मंदिर का रास्ता, अब हम लेफ्ट टर्न लेंगे और लेफ्ट टर्न लेते ही हमारे सामने आ जाएगा राधा रमन मंदिर का गेट, मतलब राधा रमन मंदिर का गेट ही राधा रमन मंदिर ही आ गया। तो ये सब यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये सब गोस्वामी जी के घर हैं जो यहाँ के सेवादार हैं, जिनकी हर महीने में, छठे महीने में, दो महीने में, जैसे भी मुझे मालूम नहीं है, उनकी सेवा बदलती रहती है। तो यहाँ से हम जाएंगे अब राधा रमन मंदिर टेम्पल में और वो आपको हम दिखाएंगे। तो ये राधा रमन मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है, इधर से आप एंट्री कर सकते हो, वैसे इधर से अब एग्ज़िट होता है और मंदिर के लेफ्ट साइड से आपकी एंट्री होती है, एंट्री भी हम आपको दिखाते हैं अभी। अभी यहाँ से हम चलेंगे एंट्री करने, ये आपका लेफ्ट हैंड से आपका राधा रमन मंदिर की एंट्री है। बहुत आनंद आता है गाइस, आप जब भी आओ तो राधा रमन मंदिर भी ज़रूर आइएगा, बहुत आनंद आता है, मुझे तो बहुत आता है। खैर यहाँ के किसी भी टेम्पल में आप घूमोगे तो आनंद तो आना ही है आपको, क्योंकि हर मंदिर में कृष्ण राधा का वास है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है मंदिर में वैसे तो, बट बहुत आनंद आता है मंदिर में भी। हैं तो ये हम आ गए हैं, हमने, अरे वाह कैमरा अलाउ हो गया था तो हमने कैमरा, ये बताना भूल गया, हमने वीडियो बना लिया। तो ये इस टाइम आरती का वीडियो है जो हम पहुँचे हैं और हमें राधा रमन की आरती भी देखने को मिली है, कितना सुंदर स्वरूप है। इनकी आरती का पूरा मैं वीडियो आपको दिखाऊँगा अभी थोड़ी देर में, मेन आपको मैं, ये तो मैंने साइड से बनाया है जहाँ आरती चल रहा है, जो मेन इनका फ्रंट से जो हमने इनका कैप्चर किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत आनंद आएगा आपको, आप देखते रहिए और राधा रमन के मंदिर प्रांगण का आनंद लेते रहिएगा। मैंने यहाँ पे हालांकि जहाँ पे गीता भी रखी थी, भागवत, यहाँ पे भागवत रखी है, ये इसका भी मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है, बहुत आनंद आता है, आनंद ही आनंद। राधा रमन, श्री राधा रमन टेम्पल वृंदावन, आनंद ही आनंद, तो बहुत सुंदर आनंद है, आप देखते रहिएगा। इनके फ्रंट के दर्शन भी मैं आपको अभी कराता हूँ, अभी थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा सा बीच में जाके कराता हूँ। सो गाइस फाइनली हमें दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया बात, जैसा हमें लग रहा था कि कैमरा अलाउ नहीं होगा, बट जब हमने देखा कि यहाँ सभी पिक्चर ले रहे हैं
तो हमने भी कैमरा ले लिया। देखिए आपको बिल्कुल सामने से दर्शन करा रहे हैं श्री राधा रमण जी का। अभी यहाँ पे आरती का समय है, आरती हो चुकी है, सॉरी होने वाली है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छे समय में पहुँचे हैं, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये आरती का समय है। ये पूरा फूलों से सजा हुआ आपको इनके फ्रंट का दिखा रहे हैं और बहुत आनंद आया मंदिर में आने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि आरती का समय हमें आना हो गया, हमारा आरती के समय हमारा आना हो गया, जो कि हमें बिल्कुल ही नहीं पता था, क्योंकि हम सोच के ही नहीं आए थे कि हम आरती के समय के अनुसार जा रहे हैं, हम तो सिर्फ दर्शन के आधार पर आए थे। ये देखिए बिल्कुल राधा रमण जी का आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करा दिया, राधा रमण जी और श्री राधा रानी दोनों का। तो गाइज आप सभी घर बैठे बोल सकते हैं राधा रमण लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। तो गाइज बहुत आनंद आता है, इतना अच्छा ध्वनि सुर आ रहा है मंदिर के घंटों का, बहुत आनंद आता है यहाँ पे। तो गाइज अभी इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अपनी, उस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे राधा रमण जी कैसे और कब यहाँ पे आए। तो इस विषय में हम आपको एक स्टोरी पूरी बताएंगे, स्टोरी मतलब बिल्कुल ट्रू है, जिसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। तो आप प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिएगा। और ये आरती शुरू हो गई है, ये आरती हो रही है इस टाइम। गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, वृंदावन की इस तरह की सभी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये आरती का समय है, पंडित जी आरती कर रहे हैं, गोस्वामी जी आरती कर रहे हैं, बहुत आनंद वाला वो है, आपको घर बैठे आरती के दर्शन हो गए हैं राधा रमण लाल के। तो गाइस आप सभी को यही बोलेंगे कि जब भी वृंदावन आए तो राधा रमण लाल के दर्शन जरूर करें, राधा रमण लाल के दर्शन जरूर करें, बहुत आनंद आता है। तो आज हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश किया है दर्शन कराने की, तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, मुझे तो लगता है पसंद आई होगी। तो अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है राधा रमण से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी एक दो दिन के अंदर। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।